हे गाइस, पीरियड रूटीन ऐसा रूटीन होता है जो हमें 3 से 4 दिन हर महीने फॉलो करना होता है। और मैं वो लकी लड़कियों में से नहीं हूँ जिसके पीरियड बहुत ही स्मूथली निकलता है। मेरा पीरियड में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। पहले मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था कि मुझे तो इंजेक्शन लेना पड़ता था। पीरियड के डेट तो हम सबको पता होता है, तो मुझे पहले से ना एंजाइटी फील होता था। मैं टेंशन में आ जाती थी कि अब तो मेरा डेट आ रहा है, और मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे। इतना ज़्यादा पेन होता था कि मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता था। फिर डॉक्टर एक टाइम पे मना कर दिया कि इतना इंजेक्शन लेने के बाद में फ्यूचर में प्रेगनेंसी में मेरा किडनी लीवर ये सब में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो फिर मेरा दादी को जब पता चला कि मेरा इतना ज़्यादा पेन होता है, तो कुछ होम रेमेडीज़, फिर मैंने योगा क्लास ज्वाइन किया, हेल्दी लाइफस्टाइल मैंने ऐड किया। और अभी देखो, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा रिलीव में हूँ। अभी मुझे पेन होता है, पर ऐसा पेन जिससे मैं कॉलेज जा सकती हूँ, मैं ट्यूशन जा सकती हूँ, मैं ऑफिस जा सकती हूँ, वो मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। पर पहले जैसे पेन होता था वैसा अब मुझे नहीं होता है, बिकॉज हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। ये जो मैं ड्रिंक पी रही हूँ ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो इसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेकआउट कर लेना। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील होगा, बहुत ताकत मिलेगा। जो थोड़ा बहुत सर घूमता है, बहुत लेज़ी फील होता है, या फिर एनर्जी डाउन लगता है, तो वो सारे चीज़ से आपको एकदम से ये ड्रिंक पीने से बहुत अच्छा फील होता है। सो ये ड्रिंक मैं वैसे ही 12 महीने ही पीती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं हमेशा इसको पीऊँ। और पीरियड हुआ है इसका मतलब ये तो नहीं कि घर का काम ना करे, कुछ ना करे। पीरियड में ऐसा नहीं है कि अब एक बिस्तर एक पर एक कोना या फिर सोफा पकड़ के बैठ जाओ, नहीं, ये कभी नहीं करना है। आपको हमेशा काम करते रहना है। काम करोगे आपको अच्छा फील होता है, आपका बॉडी भी और आपका माइंड भी दोनों। क्योंकि देखो, आप अगर काम करोगे ना तो आपका माइंड ना डिस्ट्रैक्ट होगा, आपको अच्छा भी फील होगा, और आपको थोड़ा बहुत भी पेन अगर होता होगा ना तो उतना समझ में नहीं आएगा, और इससे आपका टाइम भी बहुत जल्दी निकल जाता है। सो पीरियड का टाइम पे मैं तो घर का हर एक काम करती हूँ, वैसे भी एलोन लिविंग लाइफ है तो करना तो पड़ेगा। पीरियड टाइम में हाइजीन रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 दिन मैं अपना हेयर वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि बड़े बुजुर्ग मना करते हैं, तो मैं भी फॉलो करती हूँ। अच्छे से अपने आप को क्लीन रखती हूँ, 2 टाइम मैं नहा लेती हूँ, एंड पीरियड होने से 10 दिन पहले से अपना इंटीमेट एरिया को क्लीन कर लेती हूँ, वी वॉश यूज़ करती हूँ। ऐसे मैं अपना हाइजीन को मेंटेन रखती हूँ। पीरियड में पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारे पैंटी। पैंटी हमेशा अच्छा ब्रांड का लेना चाहिए, जो सॉफ्ट हो, आपके स्किन अच्छे से सांस ले सके, ब्रीदेबल हो, एंड आपको इरिटेट फील ना हो। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा पैंटी वेयर करूँ, और मैं करती भी हूँ। एंड कॉटन पैंटी यूज़ करो तब तो और अच्छा है। सो मैं जिबामी का कॉटन पैंटी यूज़ करती हूँ, और एक साइज बड़ा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा कम्फर्टेबल रहे, एंड स्किन में कोई सी इरिटेशन ना हो, एंड अच्छे से पूरा दिन निकल जाए। सो कॉटन पैंटी बहुत अच्छा होता है पीरियड के टाइम पे। एंड मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, 7 से 8 महीना हो गया है। जैसे बच्चे को हगीज पहनाया जाता है, वैसे आजकल पीरियड के लिए तो निकल गया है हगीज जैसा पैंटी, तो इसको मैं 7 से 8 महीना हो गया मैं यूज़ कर रही हूँ। जब से मैंने यूज़ करना मैंने शुरू किया है तब से अभी तक बंद नहीं किया। इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, लीकेज का कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से ऑफिस जा सकती हूँ, कॉलेज जा सकते, स्कूल जा सकते, ट्यूशन ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं होता है, लीकेज का तो टेंशन ही नहीं है, और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है, कोई भी ड्रेस के साथ वेयर कर लो। बार बार घूम के ये देखना नहीं होता है कि आपका पीरियड का कहीं पे दाग तो नहीं लग गया है, जैसे कि हम सब लोग ही देखते हैं बेड से उठने के बाद, एक बार बेडशीट देख लेते हैं कहीं पे दाग तो नहीं लग गया है। तो आप इसको शुरुआत दिनों में 2 से 3 दिन वेयर कर सकते हो, फिर 2 से 3 दिन के बाद फ्लोर जब मेरा कम हो जाता है तो मैं नॉर्मली ये वाला
पैड यूज़ करती हूँ, ये भी कॉटन पैड है, ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। पर मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोग अच्छे से मतलब टेंशन फ्री होकर रहना चाहते हो ना, तो ये हगीज वाला जो पीरियड वाला पैंटी जो अभी निकला है, तो इसको आप लोग शुरुआत दिनों में 2 से 3 दिन जब फ्लोर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तब यूज़ करो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, टेंशन फ्री रहेगा और पीरियड में उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा। पीरियड के टाइम पे हेल्दी खाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। हेल्दी खाना खाने से आपका पेन भी नहीं होता है, मतलब थोड़ा होता है पर उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि आपको क्रैम्स को टारगेट नहीं करता है। ऑयली सॉल्टी फास्ट फूड खाओगे तो क्रैम्स को टारगेट करता है बहुत ज़्यादा, आपका मूड स्विंग्स भी और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये मेरे साथ पहले हो चुका है। सो घर में जो मम्मी बनाए वो खाना खा लो, या फिर खुद से सैलड बना लो, सूप बना लो, कुछ भी, पर घर पे बना हुआ चीज़ खाओ। मेरा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं पता नहीं क्यों मेरा खाने पे ही शायद निकलता है, तो मैं ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ, थोड़ा बहुत ही खाती हूँ, पर मैं घर पे ही हेल्दी सा सैलेड बना के खाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ कावली चना सैलेड, और इसमें ना आप चेंज कर सकते हो, इसमें आप बीन्स रेड बीन्स भी डाल सकते हो, चिकन इसमें ऐड कर सकते हो, पनीर जैसे मैं ऐड कर रही हूँ, या फिर कुछ भी ना हो वेजिटेबल के साथ भी आप इसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चटपटा लगता है एंड आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। तो हेल्दी सा खाना है, बहुत टाइम नहीं लगता है बनाने में, सो आप आराम से घर पे बना के इसको इंजॉय कर सकते हो। मैं थोड़ा ज़्यादा बना के रख दिया, क्योंकि एक बार मैं बना के मैं रख देती हूँ, फिर जब भूख लगेगा तो मैं दोबारा खा लूँगी, क्योंकि बार बार पीरियड के टाइम पे बनाना थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो जाता है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एक दो दिन शुरुआत टाइम पे मुझे हल्का सा थोड़ा पेन रहता है, तो मुझे उतना दिल नहीं करता है कुकिंग करने का, पर अकेले रहती हूँ तो ये सारे चीज़ तो करना होगा। तो खाने पीने पे अपना ध्यान दो। 3 से 4 दिन शुरुआत दिनों में मैं योगा करती हूँ, जिम वर्कआउट नहीं करती हूँ। सो मैंने लूज सा टी शर्ट पहन लिया है एंड पैंटी लाइन ना दिखे, सो लूज सा मैंने ट्राउज़र पहन लिया है। और शकल मेरा 12 बज चुका है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है पेट में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मेरा शकल का हालत। मैंने सनस्क्रीन लगा लिया है, अब मैं आ गई हूँ जिम में, बट योगा वाला जो रूम है उस पर आ गई हूँ। योगा करने से आपको बहुत हेल्प मिलती है, जैसे कि मुझे मिला है, आपको PCOD ठीक हो जाता है, आपके जो ब्लड का जो फ्लो रहता है पीरियड में, जो कभी कभी बहुत ही कम होता है या फिर नहीं होता है, वो बहुत इंक्रीज होता है। जो पीरियड का जो पेन, जैसे कि मैंने बोल रहा थी कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, तो मुझे अभी पेन इतना नहीं होता है, थोड़ा बहुत जो नॉर्मल होना होता है वो तो नॉर्मल सा बात है, उसको हम लड़कियां तो आराम से हैंडल कर ही लेते हैं, बट अभी मुझे इंजेक्शन नहीं लगता है, वो सारी चीज़ से मुझे रिलीफ मिला है, तभी तो मेरा मम्मी पापा ने मुझे बाहर भेजा है। अभी मैं बाहर अकेली रह के जॉब करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, हर एक चीज़ करती हूँ, ताकि मुझे उतना प्रॉब्लम होता नहीं है। PCOD भी मेरा ठीक हो गया है, बिकॉज़ हेल्दी लाइफस्टाइल, आपका डाइट, आपका योगा, ये सारे चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो योगा करें बहुत अच्छा होता है। तो ये रहा मेरा दवा जिसके बारे में बोल रही थी, होम रेमेडीज़, ये मैं बहुत टाइम से ले रही हूँ, इससे मेरे पीरियड में पेन को ठीक किया है, PCOD को ठीक किया है, PCOD का फ्लोर अच्छा हुआ है, ये मेरा दादी ने मुझे बोला था, गाँव में तो ऐसे मिल जाता है, अभी मैंने अमेजोन से लिया है। अरे हॉट बैग मैं सेक के लिए रखती हूँ, जिसमें पेन थोड़ा सा भी पेन होता है तो मैं इसको गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से इसको सेक लेती हूँ, तो मुझे रिलीफ मिलता है जब मुझे थोड़ा बहुत जो पेन होता है। एंड ये ड्रिंक आप पूरा दिन में एक बार लो एंड इसको ना 6 मंथ या फिर 1 साल कंटिन्यू करो, आप मैजिक के जैसे आपका चेंज देखोगे, PCOD ठीक हो जाएगा, रिलीफ भी मिलेगा, पीरियड भी अच्छा होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, तो इसको कंटिन्यू आप यूज़ करो और इसको तो रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। सो मेरे सखियों, पीरियड में एक्ने और पिंपल होना जैसे कि बिना इमिटेशन का लाजमी है। सो मैं फेस पैक रेडी कर रही हूँ, बेसन ले लिया, थोड़ा सा कस्तूरी हल्दी, टोमेटो जूस, हनी एंड दही, इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे एंड उसके बाद मैं इसको लगाऊंगी। उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं नहा लिया है फिर से एक बार,
दो टाइम मैं नहाती हूँ पीरियड के टाइम पे, मुझे फ्रेश फील होता है क्योंकि गर्मी भी तो इतना ज़्यादा है, तो मैं नहा लेती हूँ। एंड मैंने अपना बेडशीट भी चेंज कर लिया है, सुबह नहीं कर पाई थी तो इसलिए मैंने रात में मैंने चेंज कर लिया है। बहुत अच्छा फील होता है, फ्रेश फील होता है। सो इसको लगाने के बाद मैं रखूँगी 10 से 15 मिनट, बहुत अच्छे से स्किन में वर्क करता है, आपका जो एक्ने का जो ब्राउन स्पॉट होता है उसको फेड करता है, पिगमेंटेशन को लाइट करता है, सनटैन को रिमूव करता है। हफ्ते में इसको 3 दिन अप्लाई कर लो, फिर 4 दिन भी कर सकते हो, आपके ऊपर है जैसे आपको टाइम मिले। सो इसको लगा के 10 मिनट ही रखो, काफ़ी है, 5 मिनट भी रख सकते हो अगर टाइम ना हो। उसके बाद लिक्विड वाटर से इसको वॉश कर लेना, बहुत अच्छा आप लोगों को रिजल्ट दिखने मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने अपना लाइफ का थोड़ा बहुत चीज़ मैंने शेयर किया, जो प्रॉब्लम था पीरियड में वो सारी चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा एंड रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे, मतलब मेरा कैसे पेन था, कैसे प्रॉब्लम मुझे था, तो वो सारी चीज़ से मुझे रिलीफ मिला है, तो आप लोगों को भी मिलेगा। तो आप लोग जो ड्रिंक मैंने आप लोगों को बताया वो ज़रूर पीना एंड योगा करना, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने लाइफ में ऐड करो, फिर आप लोगों को भी पीरियड में उतना सारा प्रॉब्लम नहीं होगा, जो सारे प्रॉब्लम मेरे तो जैसा अगर आप लोगों को प्रॉब्लम रहा होगा या फिर हो भी रहा होगा तो। सो आप लोगों को वीडियो जैसे भी लगा होगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मत भूलना, एंड मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड पीरियड में ना पिंपल होना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि हार्मोनल चेंज होता है, सो एक दो पिंपल तो हो जाता है, तो उससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैं लगा रही हूँ डॉट एंड की का स्पॉट जेल, ये मैंने फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ, इसका रिजल्ट कैसा होगा पता नहीं है, तो इसको लगा के सो जाना होता है। सो उसके बाद में आप लोगों को मैं शेयर करूँगी इसका रिजल्ट। तो अब तक के लिए तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दो एंड अपने बहन को बहुत सारा प्यार दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।